ये देखिए, पंजाब में दो दिन के अंदर बेअदबी के दो मामलों से हड़कंप मचा हुआ है। चुनावी माहौल में दो दिन में बेअदबी के आरोप में दो युवकों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मामले की जांच अब एसआईटी के जिम्मे है, लेकिन नए खुलासों के बाद बेअदबी की मंशा और लिंचिंग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब में दो दिन में बेअदबी के दो मामले। स्वर्ण मंदिर में ग्रिल फांद कर कूदा शख्स, भीड़ की पिटाई से हुई मौत। कपूरथला में भी युवक पर बेअदबी का कथित आरोप, पिटाई से गई जान। पंजाब में इन दोनों घटनाओं से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये कि क्या चुनाव से पहले पंजाब के माहौल को खराब करने की साजिश रची जा रही है। सबसे पहले बात अमृतसर के दरबार साहिब की। फिलहाल पुलिस बेअदबी मामले में मुकदमा दर्ज कर जाँच में जुटी है। पुलिस युवक की पहचान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक की जांच से जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। एंटर किया है और 6 बजे के आसपास का इंसिडेंट है, तो 6-7 घंटे करीब 7 घंटे ही वो इनसाइड निकल रहे हैं। गिल ने बताया कि सीसीटीवी की फुटेज से पता चला है कि घटना से पहले युवक करीब 6-7 घंटे तक स्वर्ण मंदिर में मौजूद था। कुछ घंटे तक अकाल तख्त के सामने सोया भी था। पुलिस के इस दावे से माहौल खराब करने की साजिश की आशंका को बल मिल रहा है। इसी आशंका को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अहम बैठक भी की। दूसरी तरफ कपूरथला बेअदबी मामले में जांच कर रही पुलिस ने गुरुद्वारे के ग्रंथी और उनके बेटों को हिरासत में लिया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर ग्रंथी और उसके बेटे को छोड़ने के लिए दबाव बनाया। मजबूरन 2-3 घंटों की पूछताछ के बाद पुलिस ने ग्रंथी और उसके बेटों को छोड़ दिया। तो वहीं कपूरथला मामले की जांच कर रही पंजाब पुलिस का क्या कहना है वो सुनिए। गुरुद्वारा साहब गए हैं, फर्स्ट फ्लोर ते गए हैं। गुरुद्वारा साहब जी श्री गुरु ग्रंथ साहब देखा है, जिवें गुरु ग्रंथ साहब सुखासन किया सी उंज सुखासन है। उन्होंने जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जो सुखासन वाला कमरा एज इट इज इंटैक्ट सी, किते कोई छेड़खानी नहीं हुई। और सुन लो, हूँ गुरुद्वारा साहब वाले पोर्शन च कोई भी सैक्रिलेज ईवेंट की नज़र नहीं आया, नो विजिबल साइन, बकायदा उसकी वीडियोग्राफी हुई। इस बयान से तो सवाल बेअदबी के आरोप पर भी खड़े हो रहे हैं। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और सुपर सीएम के रोल में नजर आने वाले सिद्धू ने बेअदबी के मामले में फांसी की सजा की मांग कर डाली। किते भी बेअदबी होवे, चाहे कुरान साहब कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोगों के लिया के फाहा ला देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की सब तो वड्डी सजा देनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता अभिषेक मनु सिंघवी कानून हाथ में लेने पर सवाल उठा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर कहा, बेअदबी भयानक है, पर सभ्य देश में लिंचिंग भी कम भयावह नहीं है। मैं अधिकारियों से अनुरोध करता हूं, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर मिसाल पेश करें। अभी तक दोनों मामलों में बेअदबी के आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। अगर पीट पीट कर हत्या ना होती तो उनकी पहचान और मकसद भी साफ हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब ये मामला सिर्फ सियासी बनकर रह गया है। और आइए एक बार फिर आपको सुनाते हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा। किते भी बेअदबी होवे, चाहे कुरान साहब कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोगों के लिया के फाहा ला देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की सब तो वड्डी सजा देनी चाहिए। ABP News आपको रखे आगे।